उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा अरुण चंद द्विवेदी के विगत दिवस हुए स्थानांतरण के बाद क्षेत्राधिकारी नानपारा के पद पर आए नवागत क्षेत्राधिकारी डॉक्टर जंग बहादुर यादव ने अखंड भारत न्यूज संवाददाता से एक मुलाकात में कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य किया जाएगा। पीड़ित व्यक्ति की समस्या का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि जो भी समस्या लेकर उनके पास आए उसका निस्तारण 24 घंटे के अंदर करके अवगत कराया जाए। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हमारे समक्ष कोई भी समस्या लेकर आता है तो उससे संबंधित थाने को आदेशित निर्देशित किया जाएगा, जिस पर अविलंब कार्यवाही अपेक्षित होगी। यदि थानेदार की शिकायत मिलती है तो इसको भी प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज, मैं हूँ शकील अंसारी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच पूर्व क्षेत्राधिकारी का स्थानांतरण होने पर हमारे बीच नए क्षेत्राधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, डॉक्टर जंग बहादुर पटेल जी। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में, हमारे नानपारा तहसील क्षेत्र में जहाँ तक उनका क्षेत्र लगता है, ये थानों की व्यवस्था कैसे देखेंगे, किस प्रकार जो है मतलब सरकार के मंशा के अनुरूप काम करेंगे, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। फिलहाल मैं उनके ऑफिस में हूँ, अभी मैं बात करूँगा। नानपारा के नए क्षेत्राधिकारी डॉक्टर यादव जी मौजूद हैं। क्योंकि आपके क्षेत्राधिकार में बहुत से थाने हैं, कानून व्यवस्था के मामले में किस प्रकार काम करेंगे, कैसे सामंजस्य बना रहे, सरकार की मंशा कैसे पूरी हो, मैं जानना चाहता हूँ। कृपया बताओ डॉक्टर साहब। जैसा आप अवगत हो गए, मैं भी कल ही इस सर्किल का प्रभार ग्रहण किया हूँ। इसके पहले मैं कैसे कर सर्किल देख रहा था, तो प्रतिनिधा यही है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति हमारे समक्ष आएगा, हमारी प्राथमिकता यह रहेगी कि तत्काल उसको रिलीफ मिले और संबंधित थाना का भी कॉन्स्टेबल या दरोगा तत्काल उसको फिल करे। और सभी थाना प्रभारियों को भी मैंने निर्देश दिया कि जो भी पीड़ित व्यक्ति आए उसका 24 घंटे के अंदर समस्या हल कर लिया जाए। और जो भी प्रार्थना पर उचित कुछ अधिकारियों से हमारे पास प्राप्त होंगे उनको भी मैं योग्यता के आधार पर उसका समयबद्ध रखते हुए काम कराऊंगा। और जो सरकार की मंशा है, आदेश है, लॉकडाउन के बीच में चल रहा है, उसको भी हम लोग 100% किया जाएगा। यही सब मैं पूछ रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी लोग एप्लीकेशन देते रहते हैं थानों पर और कोई जाता नहीं, सिपाही नहीं जाता है मौके पर, उसके बाद वो मुख्यमंत्री के पोर्टल पर वो कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं ऑनलाइन। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी इस बात से नाराज होते हैं, कई बार देखा गया है, तो इस पर क्या करेंगे आप? इसे मैं आपको बताया कि जो भी हमारे समक्ष उपस्थित होएगा या हमसे ऊपर अधिकारी घटना को कराता है, हमारी प्रेरणा रहती है कि उसको तत्काल यथासंभव जितना जल्दी हो सके अटेंड कर लें। और जो बहुत वो लगेगा अपने स्तर का, मैं भी खुद मौके पर जाऊँगा। मैं जो हमसे उच्च अधिकारी प्रार्थना पत्र आएगा, जैसे विजय साहब का, एस पी साहब का, विजय साहब का, शासन देवी का, जो भी मानव अधिकार आयोग जहाँ हमारे से पत्र आते हैं, सभी आयोग का हमारी वरीयता यह रहेगी कि मैं खुद मौके पर जा करके इसकी निष्पक्ष जाँच कर विधि कार्रवाई सुनिश्चित करूँ। यदि किसी थाने का इस शिकायत आप पर आती है तो उस पर मीटिंग करेंगे आप? नहीं, अगर किसी थाने प्रभारी की शिकायत कुछ आती है तो शिकायत करता है उसको भी मतलब गंभीरता से लेकर के उसकी कार्रवाई कराया जाए। अखंड भारत न्यूज़ के लिए अमन कुमार शर्मा के साथ शकील अंसारी की रिपोर्ट, बहराइच।